अलीगढ़ में आगामी समय में खैर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर स्थानीय क्षेत्र के गौतम चौराहे पर स्थित फार्म हाउस में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने संविधान सम्मान रैली के तहत सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा धर्म जाति के नाम पर लड़ाने के साथ समाज को तोड़ने का काम कर रही है। सनातन धर्म लोगों का प्रेम एकजुटता से रखने की राह दिखाता है। आज भाजपा कांग्रेस को मिल रहे समर्थन से डर रही है कि कांग्रेस ने 70 साल तक समाज की तोड़ने वाले लोगों को सत्ता में आने नहीं दिया। अगर वह दोबारा सत्ता से बाहर चले गए तो फिर कहीं 70 साल का इंतजार ना करना पड़े। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि भाजपा तुष्टीकरण की नीति अपनाती है। एक व्यक्ति द्वारा मोहम्मद पैगंबर व इस्लाम धर्म पर आपत्तिजनक मुस्लिम समाज के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। 2024 में उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, इन तमाम जगहों पे, पूरे हिंदुस्तान हो, जगह जगह पे आदरणीय राहुल गांधी जी के आह्वान पे, संविधान को बचाने के आह्वान पे, संविधान को जो छिन्न भिन्न कर रही है भाजपा सरकार उसके खिलाफ पे, और किसानों पे जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ में आदरणीय राहुल गांधी जी का आह्वान को लेके जिस तरह से हम लोगों ने कामयाबी पाई है 2024 में, गर्जन में सत्ता नहीं मिला लेकिन एक बड़ी कामयाबी जो मिली है आने वाले दिन में, उसी को बेस बना के हम आने वाले दिन में लड़ाई लड़ना चाहिए। ये लड़ाई जिस तरह एग्जिट पोल और काम नतीजे ऐसे थे, लोग तो कहेंगे यहाँ तक कह रहे हैं चुनाव आयोग हरियाणा राज्य सरकार के दबाव में आ गए। नहीं देखिए, निश्चित तौर से अभी मैंने पूरे परिणाम देखे नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि निश्चित तौर से हमारी सरकार हरियाणा में बनेगी और जम्मू कश्मीर बनेगी, निश्चित तौर से। नतीजे अभी अभी तो 5 बजे तक काउंटिंग चलेगी, काउंटिंग का इंतजार करिए, निश्चित तौर से मजबूत है। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।